हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर सब। तो बालजी सीरीज में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक आई के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो हमारी आई है किसी वस्तु को देख पाती है, या फिर कोई वस्तु रंगीन है या ब्लैक एंड वाइट है, किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करती है कि कोई वस्तु हमें ब्लैक एंड वाइट दिखती है जबकि कोई वस्तु हमें रंगीन दिखती है। इसी तरह से आज की वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो निशाचर जीव होते हैं जो कि रात के समय जगते हैं, वे रात के समय भी देख पाते हैं और साथ ही क्यों उनकी आँखें रात के समय चमकती हैं। और इस वीडियो के अंत में हम यह भी चर्चा करेंगे कि अगर हमारे जो आँख के किसी भाग में कोई डिफेक्ट आ जाए तो कौन से जो आँख के दृष्टि रोग हो सकते हैं और उन दृष्टि रोगों को ठीक करने के लिए हम कौन से चश्मे का, किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आँख के बारे में मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। मैंने आपके सामने जो आई का डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने आपको लिखा हुआ है कि हमारी आँख के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से दो प्रकार के फ्लूइड या द्रव्य आँख के अंदर पाए जाते हैं तो वे कौन से हैं। पहला विट्रस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर द्रव्य, जो कि लेंस एवं रेटिना के मध्य पाया जाता है। और दूसरा द्रव्य कौन सा है, एक्वस ह्यूमर, जो कि लेंस एवं कॉर्निया के मध्य पाया जाता है। इसके बाद जो आँख की पुतली अगर हम देखें तो आँख की पुतली का जो सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है वो काफ़ी गहरे रंग का होता है। इसे मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से भी बनाया हुआ है जिसे क्या कहेंगे, कोरोइड। अब कोरोइड के मेन फंक्शन क्या होता है, कोरोइड जो हमारे आँख के अंदर जो अतिरिक्त प्रकाश प्रवेश करता है या फिर जो एक्स्ट्रा लाइट प्रवेश करती है उसको अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो मान लीजिए कोई लेज़र लाइट बहुत अत्यधिक जो लाइट हमारी आँखों में प्रवेश करती है उसके कारण क्या हुआ कि कोई इमेज जो हमारे, हम किसी वस्तु को ठीक से देख नहीं पाते। इसलिए कोरोइड क्या करेगा कि उस जो एक्स्ट्रा लाइट है उसे अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि इमेज हम कोई वस्तु को अच्छे से देख पाए। तो कोरोइड क्या करेगा, पहला काम क्या है इसका कि एक्स्ट्रा लाइट को अवशोषित करना, और दूसरा यह प्रकाश के परावर्तन या उसके जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसे भी कम करता है। अगर बात करें निशाचर जीवों की जो कि रात के समय जगते हैं, उनमें उनकी आँखों में एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं टैपिटम लूसिडम। और निशाचर जीवों में इस परत के पाए जाने के कारण क्या होता है कि वे कम प्रकाश या रात के समय भी देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि अत्यधिक कम प्रकाश में भी यह परत क्या करेगी कि प्रकाश को अत्यधिक परावर्तित कर देगी। तो और अत्यधिक परावर्तन के कारण क्या होगा कि रात के समय देख ये जो जीव है देख पाते हैं। और अत्यधिक परावर्तन के कारण ही आपने देखा होगा कि निशाचर जो जीव होते हैं, आप उल्लू का एग्जाम्पल लेते हैं कि उल्लू को आपने देखा होगा तो उनकी जो आँखें हैं वे रात के समय चमकती है। और वो क्यों चमकती है, क्योंकि इस परत के कारण जो प्रकाश है उसका अत्यधिक परावर्तन हो जाता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि निशाचर जीव रात को क्यों देख पाते हैं और साथ ही उनकी आंखें क्यों चमकती है। तो इसका कारण ये उनमें पाई जाने वाली यह परत है टैपिडम लूसिडम। तो आते हैं अपने आई पर। तो हमने आउटर मोस्ट देखा, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे हम कहेंगे कोरोइड। और कोरोइड के बाद जो आप ये रेड कलर की देख रहे हैं इस, यह क्या है, यह है रेटिना है। और यह आई का जो मुख्य भाग है जहां किसी वस्तु की इमेज बनती है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो हम इसलिए ही देख पा रहे हैं क्योंकि लेंस के माध्यम से उसका फोकस कहाँ हो पा रहा है, रेटिना पर हो पा रहा है, जिसके माध्यम से जो किसी वस्तु की इमेज यहाँ बनती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। लेकिन रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं या सेल पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। और ये दो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, पहले रोड सेल्स या श्लाका कोशिका,
और दूसरी है कॉर्न सेल्स या शंकु कोशिका। तो रोड सेल्स का काम क्या होता है कि जैसे कि कोई वस्तु हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, मतलब कलरफुल नहीं हो दिखती है, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो कोई वस्तु हमें दिखती है उसका श्रेय जाता है रोड सेल्स को। तो इन रोड सेल्स के माध्यम से हम किसी वस्तु को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में देख सकते हैं। और साथ ही जो श्लाका कोशिकाएँ हमारी सहायता करती है किसमें, कम प्रकाश में भी देखने में। तो दो चीज़ें हमने इसके बारे में देखी, पहला कि ये ब्लैक एंड व्हाइट जो हम विजन दृष्टि है उसे देख सकते हैं, और दूसरा कि कम प्रकाश में देखने में मदद करती है। इन कोशिकाओं में एक रंजक या पिगमेंट पाया जाता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। और रोडोप्सिन क्या होगा, रोडोप्सिन विटामिन ए से बनता है, और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम की रोग हो सकता है या रतौंधी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रतौंधी क्यों होता है तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जब विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन पिगमेंट का निर्माण नहीं हो पाता तो रतौंधी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होगा कि व्यक्ति कम प्रकाश में देख नहीं पाता। तो ये था रोड सेल्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे। और अगर जानवरों की बात करें और साथ ही निशाचर जीवों की बात करें तो उनमें रोड सेल्स ही पाए जाते हैं, कॉर्न सेल्स नहीं पाए जाते, जिसके कारण वे केवल जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही देख पाते हैं। अब बात करें कॉर्न सेल्स की, तो कॉर्न सेल्स का मुख्य काम क्या है, ये हम किसी वस्तु को रंगीन जो चित्र देखते हैं, ये रंगीन चीज़ें हमें दिखती हैं, वे किन कारणों से दिखती है, कॉर्न सेल्स के माध्यम से। तो इस कॉर्न सेल्स के माध्यम से क्या होगा कि हम किसी वस्तु को रेड ब्लू एवं ग्रीन जो रंगों में देख सकते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं सी से कॉर्न सेल्स और सी से कलरफुल, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कॉर्न सेल्स की कमी हो जाए तो कॉर्न सेल्स अगर कम मात्रा में बने तो व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग हो सकता है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। तो कलर ब्लाइंडनेस का सी, कॉर्न सेल्स का सी और कलरफुल का सी, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि व्यक्ति किस प्रकार से किसी वस्तु को ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन चित्रों को देख सकता है। तो जो रोड सेल्स और कॉर्न सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये रेटिना में पाए जाते हैं। तो ये था रेटिना के बारे में, जिस पर कि वस्तु की किसी इमेज बनती है। उसके बाद रेटिना पर भी आप एक ये देख रहे होंगे कि अंदर को तरफ डिप्रेशन है, ये क्या है, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट के अंदर जो रोड सेल्स और कॉर्न सेल्स की संख्या है वह सर्वाधिक होती है, और इन दोनों सेल्स की जो संख्या सर्वाधिक होने के कारण क्या होगा कि इस ब्लाइंड स्पॉट पर जो इमेज बनती है वह काफ़ी शार्प या तीक्ष्णतम इमेज बनती है। यानी कि जो हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो अगर उसका फोकस रेटिना के इस भाग पर पड़े तो वह वस्तु हम उसे बहुत अच्छे से, यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी वह शार्प बनेगी ब्लाइंड स्पॉट पर। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक संख्या में रोड सेल्स एवं कॉर्न सेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पर ये दोनों ही सेल, या जैसे कि जो रोड सेल्स और कॉर्न सेल्स, ये दोनों ही प्रकार के सेल्स ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं पाए जाते। तो आप पता कर सकते हैं अगर ये दोनों सेल्स ब्लाइंड स्पॉट पर प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा कि किसी भी वस्तु की इमेज यहाँ नहीं बनेगी। तो ब्लाइंड स्पॉट पर इन दोनों प्रकार के सेल्स की अनुपस्थिति होने के कारण कोई भी इमेज नहीं बनती, और ब्लाइंड स्पॉट से ही एक नर्व की उत्पत्ति होती है जिसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ऑप्टिक नर्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो आपका आंसर होगा ब्लाइंड स्पॉट। तो ये था आई के पिछले हिस्से के बारे में, अब हम बात करेंगे आई के आगे वाले हिस्से के बारे में।
अब देखिए आई का जो आगे का हिस्सा है सबसे, ये कॉर्निया यानी कि जो हमारे आंख है जो सबसे आगे जो पारदर्शी परत है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया का मेन काम क्या है कि कोई भी जो प्रकाश है, जो लाइट है, हम वह किसके थ्रू एंटर करती है हमारी आई के अंदर, तो कोई भी प्रकाश जो लाइट है वह कॉर्निया के थ्रू हमारी आंख में एंटर करती है। और यह कॉर्निया एक, यह एक सजीव संरचना है जिसमें कि कोई रक्त कोशिका या ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अब कॉर्निया चाहे सजीव संरचना है लेकिन इसमें मैंने बात की जो रक्त कोशिका या जो ब्लड वेसल्स की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है यानी कि ये इसमें नहीं पाई जाती। अब रक्त कोशिकाएं जब कॉर्निया में नहीं पाई जाएंगी तो इसे ऑक्सीजन एवं पोषण कैसे मिलेगा, तो कॉर्निया को जो ऑक्सीजन एवं पोषण की प्राप्ति विसरण के माध्यम से होती है। तो ये था कॉर्निया के बारे में। और कॉर्निया के बारे में एक और फैक्ट कि कॉर्निया की जो छठी परत है उसकी खोज की गई है और उसकी खोज भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो यूके के हैं डॉक्टर हरमिंदर दुआ, डॉक्टर हरमिंदर दुआ द्वारा कॉर्निया की छठवीं परत का विकास किया गया है। और डॉक्टर हरमिंदर द्वारा इस छठवीं परत का विकास किया जाने के कारण कॉर्निया की इस परत का नाम दुआ लेयर या दुआ परत रखा गया है। तो ये था एक फैक्ट कॉर्निया के बारे में। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि जो आई ट्रांसप्लांटेशन या जो नेत्र प्रत्यारोपण है वह आंख के किस भाग का होता है, तो नेत्र प्रत्यारोपण पूरी आंख का नहीं होता, यह सिर्फ कॉर्निया का होता है। अगर किसी एक स्वस्थ व्यक्ति ने अपना कॉर्निया को डोनेट किया है तो किसी एक व्यक्ति के कॉर्निया के माध्यम से कई व्यक्तियों के अंधेपन का इलाज किया जा सकता है। तो ये था कॉर्निया के बारे में। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये मसल्स, ये क्या है, ये सिलियरी मसल्स है। और इसका मुख्य काम क्या है कि जो ये हम आंख के अंदर जो हमारा लेंस है ये उसको होल्ड करके रखते हैं यानी कि उसे पकड़ के रखती है। तो सिलियरी मसल्स जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं, इसका मुख्य काम क्या है, सिलियरी मसल्स का मुख्य काम क्या है, लेंस को होल्ड किए रहना। उसके बाद जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये क्या है, ये आयरिस है। जो हमारी आंख में जो सफेद हिस्सा है, जो व्हाइट पार्ट है, दरअसल वही आयरिस भाग है। और आयरिस का मेन काम क्या है कि यह जो एक्स्ट्रा प्रकाश या जो एक्स्ट्रा लाइट हमारे आंख के अंदर आ रही है उसको नियंत्रित कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी लाइट यानी कोई लेजर मार रहा है हमारी लाइट के अंदर यानी कि बहुत सारी लाइट हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर रही है, तो ये क्या करेगा, आयरिस ये जो पुतली है हमारे जो ब्लैक कलर की आई में पाई जाती है इसे प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल या पुतली। तो आयरिस इसको सिकुड़ लेगा, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए क्या करेगा, आयरिस हमारी जो पुतली है आंख की ब्लैक कलर की उसे सिकुड़ लेगा ताकि बहुत कम मात्रा में प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश कर पाए। इसी तरह अगर कम प्रकाश हमारे आंखों के अंदर आ रहा है और हम किसी वस्तु को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो आयरिस क्या करेगा, जो हमारी पुतली या प्यूपिल है इसको डायलेट कर देगा यानी कि इसको फैला देगा ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश जो है वो आंख में प्रवेश कर पाए। तो ये था आयरिस का फंक्शन। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया वह है लेंस। जो हमारी आंख में लेंस होता है वह उसकी प्रकृति क्या होती है, यह काफी लचीला होता है। दूसरा इसका निर्माण प्रोटीन से बना होता है। तो दो चीज हमने देखी, एक तो पहले यह लचीला होता है और दूसरा यह प्रोटीन से बना होता है। अगर हमें किसी वस्तु को देखना हो कि हम कितनी कम से कम दूरी और कितने अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को देख पाते हैं
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर स्थित है तो उस वस्तु को हम ठीक से देख पाएंगे, लेकिन अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से पास हो गई है तो आप ध्यान आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे कोई वस्तु तो वह वस्तु आपको धुंधली दिखनी शुरू हो जाती है। तो उससे मेरा क्या तात्पर्य है कि न्यूनतम जो आपका डिस्टेंस है वह 25 सेंटीमीटर है जो कि आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, और अधिकतम की बात करें कि आप अनंत तक यानी कि काफ़ी दूर तक किसी वस्तु को अपनी आँख के थ्रू देख सकते हैं। तो ये थे डिस्टेंस की कितना जो परास है, रेंज ऑफ विजन है जो कि आपका आपकी आँख का होता है। अगर 20 मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है स्थित है यानी कि 25 सेंटीमीटर पर, तो जो आपकी आँख का लेंस है वो कुछ इस स्थिति में होगा और इसकी फोकल लेंथ को यानी कि कितनी दूर पर इसका जो लेंस से कितनी दूर पर आपकी वस्तु स्थित है और कितनी दूरी पर उसका जो फोकस बन रहा है यानी कि कितनी दूरी पर वस्तु लेंस से स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इसी तरह अगर कोई वस्तु अनंत स्थान पर स्थित है उसकी दूरी आप देख सकते हैं कि जो आँख की लेंस से काफ़ी दूर होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, वह कम होगी, जबकि इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ कम और इसकी ज़्यादा। और आपको हमेशा याद रखिए कि जो फोकल लेंथ है वह पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, आगे केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो जब मैंने बताया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इसकी फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि इसकी फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो पावर क्या होगी, कम होगी। तो ये था विजन, रेंज ऑफ विजन के बारे में। और आपसे एग्जाम में अगर दो डायग्राम दे दी जाए लेंस के, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी लेंस की उसकी क्या है, पावर ज़्यादा है, और जिसकी कम होगी वह उसकी पावर कम है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है। तो ये आप इससे पता लगा सकते हैं। तो ये था पूरे आँख के स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन सा कहाँ कौन सा हमारे आँख के अंदर भाग होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, कि किन फंक्शन के माध्यम से कोई किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आँख का कोई भाग अगर ठीक से काम नहीं कर पाता तो कौन से जो दृष्टि रोग व्यक्ति में हो सकते हैं। तो अभी हम कुछ दृष्टि रोग के बारे में बात करेंगे। पहला है मायोपिया, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है कि शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष, यानी कि आप किसी व्यक्ति को जो निकट की वस्तु है उसे तो देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मायोपिया में क्या होगा कि व्यक्ति पास का तो देख पाता है जबकि दूर का देख नहीं पाता। तो मान लीजिए कोई वस्तु अगर यहाँ पर स्थित है तो आसानी से उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बन जाती है और व्यक्ति ठीक से देख पाता है, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर स्थित है यानी कि यहाँ पर स्थित है तो उसकी इमेज रेटिना पर ना बनकर क्या होगा कि रेटिना से पहले बन जाती है यानी कि इसके आसपास बन जाएगी, जिसके कारण दूर की वस्तु को व्यक्ति देख नहीं पाता। इसलिए इस रोग में क्या होता है कि डॉक्टर जो व्यक्ति को चश्मे लगाने के लिए बोलता है और उन्हें ऐसे चश्मे लगाने के लिए बोला जाता है जिसमें कि अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस का प्रयोग हो। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल
मायोपिया दृष्टि रोग में व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो ये था मायोपिया के बारे में। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के जस्ट उलट है। अगर इसमें क्या था कि पास की वस्तु हम देख पा रहे थे लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे थे, इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु तो हम देख पाते हैं लेकिन जो वस्तु पास में स्थित होती है उसे हम देख नहीं पाते। मतलब कि दूर की जो वस्तु है उसकी इमेज तो रेटिना पर बन जाएगी, लेकिन अगर कोई वस्तु पास में स्थित है उसकी इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना के बाद बनती है, जिसके कारण वस्तु को ठीक से देख नहीं पाता व्यक्ति। तो इस रोग में, इस दृष्टि रोग में जो डॉक्टर है वह ऐसे चश्मे का प्रयोग करने को बोलता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हो, तो कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। जो प्राकृतिक रूप में जो हमारी आंख है उसमें अंदर जो लेंस पाया जाता है वह भी कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में अगर आपसे पूछा जाए तो कि कौन से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद रेसबायोपिया या जरा दृष्टि रोग। आपको नाम से पता लग रहा होगा जरा अर्थात कि जो यह दृष्टि रोग होगा यह किन में होगा, यह उन लोगों में होगा जो वृद्धावस्था में है। तो यह रोग बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। और इस रोग में क्या होगा कि इस रोग में इन दोनों ही प्रकार के जो लक्षण पाए जाते हैं, मतलब कि मायोपिया के लक्षण एवं हाइपरमेट्रोपिया के लक्षण, दोनों ही इन दोनों रोगों के लक्षण रेसबायोपिया में पाए जाते हैं कि व्यक्ति ना पास का ठीक से देख पाता है और ना ही दूर का ठीक से देख पाता है। तो इसके लिए डॉक्टर ऐसे चश्मे का प्रयोग करने के बोलते हैं जिसमें कि लेंस में दोनों प्रकार के लेंस यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स या उत्तल और अवतल लेंस दोनों का समावेश हो। तो इसमें जो लेंस नीचे चश्मे में जो नीचे की तरफ होता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है या उत्तल लेंस, और जो ऊपर की तरफ लगा होता है वह कॉनकेव या अवतल लेंस की प्रकृति का होता है। तो अवतल लेंस क्या करेगा, दूर की वस्तु को देखने में सहायक होगा, जबकि उत्तल लेंस क्या होगा, ये निकट की वस्तुओं को देखने में सहायता करेगा। तो ये था रेसबायोपिया में जिसमें कि बायफोकल लेंस यानी कि वह लेंस जिसमें कि दोनों प्रकार के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं, तो इस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आप अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि रोग है तो आप अगर उसके चश्मे को देखें तो आप खुद भी फील करेंगे कि अगर आप उसके चश्मे पर हाथ फेर कर देखें तो आपको दो पता लग जाएगा कि उसमें दो प्रकार के लेंस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है एस्टिगमेटिज्म। जिसे अबिंदुकता भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति अगर किसी चीज़ को देखता है तो वह चीज़ तो उसे ठीक से दिख पाती है लेकिन जो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं वह टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति इस वस्तु पर फोकस कर रहा है तो उसे यह जो वस्तु है यह तो ठीक तरीके से दिखेगी लेकिन जो उसके आसपास की चीज़ें हैं वह उसे टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। तो यह अबिंदुकता है। और इसमें डॉक्टर जो लेंस है वह ऐसे चश्मे का प्रयोग करने के लिए बोलता है जिसमें कि सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस हो। तो बेलनाकार लेंस किस में प्रयोग होता है, अबिंदुकता दृष्टि रोग में। उसके बाद
नाइट ब्लाइंडनेस, या रतौंधी रोग। इसके बारे में हमने जब रेटिना के बारे में डिस्कस किया था तभी डिस्कस कर लिया था कि इसमें क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है। यह जो श्लाका कोशिका या रोड सेल्स की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है, जिसमें कि व्यक्ति रात के यानी कि जो कम प्रकाश में ठीक से देख नहीं पाता। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या होगा कि जो कॉर्न सेल्स या शंकु कोशिकाएं हैं, अगर व्यक्ति में इन कोशिकाओं की कमी हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। के बाद कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, मोतियाबिंद में क्या होता है कि व्यक्ति की जो आंख में जो लेंस है उसके आगे एक सफेद परत छा जाती है, जिसके और लेंस के आगे सफेद परत आ जाती है, और इसी के कारण जो व्यक्ति को दिखना मतलब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो ये है कैटरैक्ट। इसी तरह जो हमारा लास्ट है वह है ग्लूकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। और उसे काले मोतियाबिंद क्यों कहते हैं? मोतियाबिंद में हमने बात की थी कि लेंस के आगे एक सफेद परत आ जाती है जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखता है, लेकिन ग्लूकोमा में क्या होगा कि धीरे जो व्यक्ति की जो आईसाइट है यानी कि व्यक्ति धीरे धीरे अंधेपन का शिकार होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इसलिए काला मोतियाबिंद इसे बोल रहे हैं। और ग्लूकोमा होता क्यों है कि जो हमने बात की थी कि दो प्रकार के फ्लूइड के द्रव्य की, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, जो व्यक्ति जो आँख में जो एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जब इसकी जो मात्रा है वह आँख में अगर अधिक हो जाए तो इसका दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और एक्वस ह्यूमर के अत्यधिक दबाव के कारण क्या होगा कि जो इसकी जो नलियाँ होती हैं जिसके माध्यम से ये एक्वस ह्यूमर निकलता है वे बंद हो जाती हैं, और एक्वस ह्यूमर के अत्यधिक दबाव के कारण व्यक्ति अंधेपन का शिकार धीरे धीरे हो जाता है, और उसका लास्ट में जाके वह पूर्णतः अंधा भी हो जाता है। तो ये था ग्लूकोमा, जिसमें कि व्यक्ति में एक्वस ह्यूमर का जो फ्लूड है, द्रव्य है, उसमें अत्यधिक दबाव शुरू हो जाए, आँख पर अत्यधिक दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये था सभी दृष्टि रोगों के बारे में, जिस और आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो आँख है इसका स्ट्रक्चर है, विभिन्न इसके भाग किस प्रकार हमें देखने में मदद करते हैं, और साथ ही अगर किसी भाग में कोई डिफेक्ट आ जाए आँख के तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।